बीजेपी में आकर फंस गया हूँ। देवेंद्र फडणवीस के सामने नारायण राणे ने दिया बड़ा बयान, समझिए सियासी मायने। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हमेशा ही अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उनके निशाने पर मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनका परिवार रहता है। नारायण राणे और उनके बेटे किसी न किसी मुद्दे के बहाने ठाकरे परिवार पर निशाना साधते रहते हैं। कुछ दिन पहले राज्य के कोंकण इलाके में नारायण राणे ने एक और बयान दिया जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग में अंगनेवाड़ी यात्रा में बोल रहे थे। इस दौरान मंच पर खुद महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए थे। नारायण अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि कोंकण इलाके में मेरी वजह से शिवसेना का विकास हुआ, हमने शिवसेना के लिए कष्ट सहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया है। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने एक आंगनवाड़ी तो बनाई नहीं, उल्टा कोंकण में आने वाले सभी विकास प्रोजेक्ट का विरोध जारी किया। राणे ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप किए जा रहे हैं, लेकिन मैं जब तक सह रहा हूं तब तक ठीक है, एक बार मैंने बोलना शुरू किया तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। नारायण राणे ने कहा कि मैं बीजेपी में आकर फंस गया हूँ, यहाँ पर शांत दिमाग वाले लोग रहते हैं, इसलिए हमको भी वैसा ही दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं भी शांत हूँ। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले मंच पर भाषण दिया था। फडणवीस ने कहा कि आने वाले अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यहाँ से अपनी ही पार्टी के सांसद और विधायक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोंकण के छिपी एयरपोर्ट का श्रेय भी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को दिया जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोंकण के लिए उद्धव ठाकरे ने कुछ भी नहीं किया है, जबकि नारायण राणे ने कोंकण के लिए क्या किया है वह पूरी जनता जानती है। यहाँ की सड़कें, ट्रैफिक की समस्या, निजात और मूलभूत सुविधाएं सब कुछ नारायण राणे की देन है। उद्धव ठाकरे ने तो रिफाइनरी का भी विरोध किया था। फडणवीस के बाद जब नारायण राणे मंच पर बोलने आए तब उन्होंने भी जमकर निशाना साधा।